I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. यहाँ पे जो मार्केट में हमारे रेस्टोरेंट है ना, हाँ हाँ, उनसे तो अच्छा ही है, टेस्ट अच्छा है, साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। क्या बात है, प्राइस 20 रुपए प्लेट है जिसमें दो पीस आते हैं नॉर्मल इडली का। I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. चटनी ज्यादा दे दे रहा, चटनी ज्यादा दे दे रहा। हाँ ठीक, प्राइस के हिसाब से टेस्ट अच्छा है, बहुत। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भैया जल्द से जल्द एक अच्छा रेस्टोरेंट स्टार्ट करें, अच्छा सेटअप स्टार्ट करें खुद का, तो आप भैया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो भैया वीडियो को ना शेयर कर दो, जितने भी आपके ग्रुप हैं, आपके फ्रेंड हैं, जो भी हैं, आप सबको शेयर कर दो। और अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भैया आज आ चुके हैं फरीदाबाद सेक्टर 37 हुड्डा मार्केट, और आज यहाँ पे आने का पर्पज सिर्फ एक ही है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से निकलता था ना तो मुझे हमेशा एक चीज दिखाई देती थी, मेहनत। उस मेहनत को ना मैं थोड़ा सा कैप्चर करना चाहता था, आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए आज उस मेहनत ने ना मुझे रोक लिया। क्योंकि ना मैं हमेशा ना ऐसे लोगों को ना बहुत सपोर्ट करता हूँ जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, उन लोगों से तो हमेशा मेरा 36 का आंकड़ा रहता है। जो लोग ये कहते हैं कि भैया रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, मैं भाई शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म, रोजगार ना कोई लेकर नहीं आता, रोजगार बनाना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है। ऐसी ही आज एक शख्सियत से ना मैं आपको मिलाने वाला हूँ, जिसको देख के ना आपको खुद को शर्म आ जाएगी। जैसा कि आपको बताया था, आज पहुंच चुके हैं सेक्टर 37 भैया के पास, जिनका नाम है बीकॉम इडली। ठीक है, नाम से ही भैया पता चल रहा है कि दुख छुपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दुख छुपा हुआ है। ठीक है, नहीं तो भैया कोई इस तरह से नहीं आ सकता, पर भैया ने बहुत मेहनत करी है और मैं तो ये सोचता हूँ कि भैया जल्दी से जल्दी एक बड़ा रेस्टोरेंट स्टार्ट करें, इसलिए मैं आज भैया के पास आया हूँ। मैं वैसे यहीं से बेसिकली रोज निकलता था और रोज भैया को देखता था, आज मेरा मन हुआ मैं भैया से बात करूँ और मैं इसलिए भैया के पास आ गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं भैया, भैया नाम क्या होने वाला है? अविनाश शुक्ला। अविनाश शुक्ला, क्या बात है भैया, बहुत अच्छा नाम है भैया का, अविनाश शुक्ला। भैया मैं ये जानना चाहता हूँ आपका ये सफर यहाँ कैसे स्टार्ट हुआ? नौकरी करते करते मतलब कहूँ तो बोर हो गया था। ओके। और ढंग की नौकरी भी नहीं मिल रही थी, तो फिर एट लास्ट 3 महीने तक जब मेरे पास काम नहीं था तो फिर मैंने यही सोचने में टाइम बिताया कि मैं क्या कर सकता हूँ। 3 साल मैकडॉनल्ड्स में काम किया था, तो फूड इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा तो पता था कि काम फूड इंडस्ट्री का काम चलता जरूर है। तो मेरी वाइफ साउथ इंडियन थी, तो मैंने सोचा जो चीज़ आती है मैं उसी से स्टार्ट किया जाए, तो साउथ का खाना उसको अच्छे से बनाने आता था, तो इसलिए इडली सांभर स्टार्ट किया। अच्छा, जो अभी आपको इस काम में सपोर्ट कर रही है आपकी वाइफ है सबसे ज्यादा? हाँ। और अगर फैमिली की तरफ से सपोर्ट की बात करें? फैमिली की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, फुल सपोर्ट। जब आपने उन्हें पहली बार बताया कि मैं ये काम स्टार्ट करने वाला हूँ, तो क्या रिएक्शन था उनका? उनका ये रिएक्शन था कि कुछ पैसे लेके दुकान करके कर लो, मतलब ये इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत पड़ जाती है कि बाइक पे ये लेके घूमना। अच्छा, अब मैं भी भैया सजेस्ट तो आपको यही करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी एक बड़ा कारोबार स्टार्ट करो। सपना तो मेरा भी वही है भैया, टेंशन मत लो, इन लोगों का इतना प्यार मिल रहा है आपको, सही मैं बता रहा हूँ, मेरे से पहले भी बंदों ने डाल रखी है यूट्यूब पे वीडियो, इतना प्यार आपको मिल रहा है ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये लाखों लोग ना आपको बहुत ऊपर तक पहुंचा देंगे। जो लोग कहते हैं ना कि रोजगार नहीं है, तो उनके लिए ना भैया अपने आप में ना एक मोटिवेशन, एक आइडल है। इतना अच्छा भाई ने खुद का सेटअप तैयार किया है ना, मैं आप लोगों से ना सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। मैं नहीं कहता कि जैसे लोग बोलते हैं कि भैया मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया, आप इस पे पैसे भेजो, भैया के खाते में आएंगे, और भैया ना भाई मैं बिल्कुल नहीं कहता, इस चीज को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, ना मैं इस चीज के लिए बोलता। मैं तो ये कहता हूँ भैया ने अगर मेहनत से अपना एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया है ना, तो मैं समझता हूँ वो मेहनत करना चाहते हैं। तो भाई आप ना, मैं बस इतना ही बोलूंगा, आप आओ और यहाँ पे ना भैया का ना खाने का टेस्ट लो, उसके बाद जो भी आपको लगता है बेस्ट वो भैया के लिए सपोर्ट करो। भैया मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके माइंड में कैसे आया कि छोटा सा सेटअप स्टार्ट करना चाहिए, कैसे आपको लगा? इस काम को स्टार्ट करने से पहले मैंने फील्ड वर्क किया था 1.5 साल के करीब। ओके। अमेजोन में किया और उबर बाइक टैक्सी जो होता है, रैपिडो, ये सब चलाया, और उससे 3 साल पहले तक मैं मैकडॉनल्ड्स में काम करता था क्रू ट्रेनर की पोस्ट पे। मैकडॉनल्ड्स में भी आपने काम किया हुआ? 3 साल। तो क्या रहा आपका वहाँ का एक्सपीरियंस, क्या रहा, आपको अच्छा नहीं लगा वहाँ? मेरे को किसी भी जॉब में ना वो संतुष्टि नहीं मिलती थी। अच्छा, जो संतुष्टि आपको अपने काम में लगी? काम में मिल रही है। क्या बात है भैया, बहुत अच्छी बात है, करो आप सपोर्ट करो। पैक करना है खाना, और अगर साफ सफाई की बात की जाए तो भैया देखिए बिल्कुल सेफ्टी के साथ काम हो रहा है यहाँ पर, देखिए ग्लव्स यूज करके भैया बिल्कुल एकदम प्रॉपर काम करते हैं तरीके से।
आपकी सेहत का भी ना पूरा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे, वरना बेसिकली ना आप कहीं पर भी चले जाओ इस तरीके की सुविधा तो आपको नहीं मिलने वाली। ये देखिए सर्विंग स्टाइल भैया का इतना प्यारा है, आप यहाँ पे ना आ जाओगे ना और यहाँ से नियर बाय से भी निकल जाओगे तो आप ना खुशबू को देख के आप यहाँ पे रुकोगे ही रुकोगे, गारंटी इस बात की। तो चलिए एक बार अंकल से भी जान लेते हैं, अंकल को इसका टेस्ट कैसा लगा। अंकल जी कैसा लगा आपको टेस्ट? टेस्ट अच्छा है, साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं, क्या बात है। और बिल्कुल है कि पोलाइटली बात करके, क्योंकि सबसे यह है कि कस्टमर डीलिंग के लिए बहुत अच्छी है, और टेस्ट और साफ सफाई का ध्यान रखते हैं बिल्कुल। मैं यहीं पे सैयदपुर में सर्विस करता हूँ, तो इसी रूट से जाता हूँ मैं। तो कितने दिन से खा रहे हैं आप ये? करीब हो गया महीने हो गया। क्या बात है भैया, महीने से आप कंटिन्यू खा रहे हैं? हाँ कंटिन्यू, या एक दिन छोड़ के ऐसा रहता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। रोज तो नहीं होता। हाँ, हाँ। कभी मतलब आपको टेस्ट अच्छा लगा इसलिए आप आते हैं यहाँ? हाँ जी भी। जब भी आप फ्री होते हैं तो आप यहाँ पे राउंड लेने आ जाते हैं? हाँ, इडली सांभर या सांभर बड़ा जो भी। क्या बात, जल्दी बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप खाइए। तो जॉब छोड़ने के 3 महीने तक आप फ्री रहे? सर छोड़ने का रीजन ये था कि जो डिलीवरी वाली जॉब थी ना उसमें हमें डेली जाना होता था वहाँ पे, और कोई फिक्स नहीं था कि काम मिलेगा ही मिलेगा, तो ओखला जाना और फिर काम ना मिलना तो फिर वापस आना 20 किलोमीटर आना जाना वेस्ट होता था। वेस्ट होता है। तो हफ्ते में 2 दिन काम मिलता था, इसलिए मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, आप कुछ अपना ही स्टार्ट करते हैं। तो फिर कैसे आया आपके माइंड में कि मुझे कुछ करना चाहिए? करने का मन तो था ही पहले से, लेकिन मैं यूट्यूब बहुत देखता था, उसमें ना मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी है। यहाँ तो बहुत रेयर होता है, साउथ इंडिया में लोग साइकिल पे बाइक पे ये सब काम करते हैं, वहाँ बहुत चलता है। हाँ जैसे कि वो चाय वाला फेमस है, आपने हाँ, देखा होगा यूट्यूब पे। हाँ, तो मैं चेन्नई जाता रहता हूँ, मेरा ससुराल है। अच्छा, तो अच्छा मैं क्या कहते हैं, मैंने वहाँ पे कई बाइक पे देखा है लोग इडली सांभर वड़ा ये सब बेचते हैं। अच्छा, तो आपका जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ वो चेन्नई से स्टार्ट हुआ? क्या बात है भैया, माइंड इट बहुत अच्छा लगा। जो बीकॉम इडली ये जो आपने नाम लिया है, ये बहुत अच्छा नाम आपने सोचा है, तो इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? सर ये नाम मेरे को यूट्यूबर्स ने ही दिया है, जो जिन्होंने मेरी पहली वीडियो बनाई थी तो उन्होंने अपने टाइटल में ये नाम डाल दिया था। मतलब मेरी क्वालिफिकेशंस पूछी उन्होंने कि क्या किया हुआ है और मैं इडली बेचता था, तो उन्होंने दोनों मिक्स करके ये नाम मेरे को दिया। तो जिसपे कई वीडियोस भी बनी, कई और यूट्यूबर्स ने भी बनाई सेम टाइटल के साथ, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आपकी इस नाम से वीडियोस बहुत चल रही हैं और आपकी दुकान का कोई नाम भी नहीं है तो आप इसे ही रख लो। तो मैंने फिर बैनर बनवा लिया इसी नाम। क्या बात है भैया, मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ उन यूट्यूबर्स को भी जिन्होंने भाई को इतना अच्छा नाम दिया। क्या बात है भाई, थैंक यू आप सबको। तो भैया ये आपने कोरोना काल में स्टार्ट किया था या उसके बाद स्टार्ट किया आपने ये काम? इस काम को स्टार्ट हुए तो 4 महीने हुए हैं अभी। अच्छा, अभी 4 महीने हुए हैं। ओके, तो फैमिली का सपोर्ट आपको अच्छा मिल रहा है? हाँ, कोई रोक टोक नहीं है, बस ज्यादा मेहनत पड़ती है तो उसलिए थोड़ा कंसर्न करते हैं। तो सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ 8:30 आ जाता हूँ। सुबह 8:30 बजे आप आ जाते हैं यहाँ पे? अच्छा, तो आपको ये जो इडली वगैरह जो बनाते हैं घर में, ये आप खुद बनाते हैं या घर में कोई और सपोर्ट करता है आपको? मैं और मेरी वाइफ मिलके बनाते हैं। अच्छा, दोनों मिलके बनाते हो, क्या बात है। भाभी जी का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है भाई को, जो भाई अपने काम में आज सक्सेस हो रहे हैं। भाई का इतना अच्छा नाम चल रहा है, उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है ये सुना था, आज मैंने भैया से भी सुन लिया। भैया फैमिली में कौन कौन है अपनी? फैमिली में मदर, 2 छोटे भाई बहन है, सबसे बड़ा मैं ही हूँ, मेरी वाइफ और एक छोटा बेबी है, और फादर की डेथ पिछले साल ही दिसंबर में हार्ट अटैक। ओहो, तो अभी भैया काम कैसा चल रहा है अपना? शुरुआती दिन तो मेरे ख्याल से हर बिजनेस के लिए मुश्किल होते हैं, तो 1-1.5 महीने तो जितना लगता था उतना भी निकलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब यूट्यूबर्स की वजह से और टेस्ट की वजह से लोगों को अच्छा लग रहा है और अब बहुत मतलब सही है, अच्छा अच्छी सेल हो जाती है। लेकिन जिस लोकेशन पे लगाता था वहाँ भी अच्छी सेल हो रही थी, लेकिन वहाँ से हटा दिया गया, तो फिर अब यहाँ पे आया तो यहाँ फिर से जीरो से स्टार्ट। अब मैंने आपको देखा था, आप शायद पहले सराय मेट्रो स्टेशन के बगल में लगाते थे, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी नोट किया था जब मैं जाता था निकलता था वहाँ से, तो मैंने आपको देखा था वहाँ पर। तो वहाँ पे क्या रीजन रहा आपको वहाँ से हटाने का? NHAI मेन रीजन था, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मैं ना गवर्नमेंट को भी ना ये चीज बोलना चाहूंगा, ऐसे लोगों को सपोर्ट करो यार। आप लोग मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वहाँ तो आपकी हिम्मत नहीं होती हाथ मारने की, पर जहाँ आपको लगता है कोई मेहनत करके कमाना चाहता है कुछ खाना चाहता है, आप वहाँ जाके उसको मतलब परेशान करते हो, उसको माइंड से मतलब डिस्टर्ब कर देते हो कि वो उस काम को भी छोड़ दे। भैया प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या होने वाला है इसका? प्राइस 20 रुपए प्लेट है, जिसमें 2 पीस आते हैं नॉर्मल इडली का। क्या बात है भैया, भाई 20 रुपए में आजकल क्या ही आता है,
और उसमें आपको इतनी अच्छी टेस्टी डिश मिल जाए तो भाई आप मिस कर दोगे, सही बता रहा हूँ मैं आपको ना, मैं बोल रहा हूँ आप मिस कर दोगे, इसलिए आप जरूर आओ एक बार भैया के पास और टेस्ट करो, और जो भैया की मेहनत है ना उसको सपोर्ट करो आप। I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. भैया आप कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? मेरे को इस मार्केट में हो गया आते हुए 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया, क्या बात है भैया, तो आप लगातार आ रहे हैं भैया के पास? हाँ ये अभी इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ हाँ जैसा भैया ने बताया रिसेंटली स्टार्ट किया, तो आपको टेस्ट कैसा लगता है यहाँ का? यहाँ पे जो मार्केट में हमारे रेस्टोरेंट है ना, हाँ हाँ उनसे तो अच्छा ही है। अच्छा उनसे अच्छा ही है, पे पहले हम लोग खाते थे। हाँ हाँ लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इजी हो जाता है, यहाँ पे तुरंत उतरो खा लो। हाँ हाँ टेस्ट भी अच्छा है और रेट भी सही है। क्या बात है, मतलब रेट से खुश है आप? हाँ हाँ और टेस्ट से भी? हाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कुछ भी इन्होंने। अच्छा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ये देखिए भैया गाड़ियाँ आती है यहाँ पे। Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for a high gum? तो भैया इस मेहनत के बारे में आप ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं, आप क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं पब्लिक को, जो लोग कहते हैं कि भाई रोजगार नहीं है, काम नहीं है, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ ये तो मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जॉब अगर नहीं है तो उसके अलावा भी बहुत ऑप्शन है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। एग्जैक्टली बस आपको एक नीच मतलब एक रास्ता देखने की देर है कि आप किस काम में परफेक्ट हैं। और मैं कहना चाहता हूँ भैया आपको कोई भी ना काम, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता जी, बिल्कुल। आपकी मेहनत आपको कहाँ तक ले जाएगी आपको कुछ नहीं पता, पर आप एक सेटअप स्टार्ट तो करो। कई लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब के पीछे अपने कई साल बर्बाद करते हैं, मेरे खुद रिश्तेदार भी हैं 5-6 साल मतलब बीटेक करने के बाद भी 5-6 साल वो अभी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। हाँ वो अपना टाइम ही खराब कर रहे हैं, उन्हें कुछ ही मतलब दिनों में समझ आ जाना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट जॉब तुम्हारे लिए नहीं है। बिल्कुल, तो उन्हें अगला रास्ता देखना चाहिए, लेकिन नहीं वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि माँ बाप का पैसा इतना वेस्ट ना करें, उन्होंने पढ़ाया है ठीक है, लेकिन अगर आपको उस रास्ते में सक्सेस नहीं मिल रही तो आप अपना कुछ स्टार्ट करिए। क्या नाम भैया आपका? मनीष नाम है। मनीष नाम है आपका, और भैया कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आते हुए? हो गए सर, जब से इन्होंने स्टार्ट किया तब से आ जाता। अच्छा जब से आप आ रहे हो। हाँ। तो टेस्ट की बात करें तो भैया टेस्ट कैसा लगता है आपको? टेस्ट तो बढ़िया है। टेस्ट बढ़िया है। और रेट, रेट कैसा लगता है आपको? रेट भी सही है, प्राइस के हिसाब से टेस्ट अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो भैया पैकिंग सुविधा भी अवेलेबल है क्या अपने पास? हाँ सर, क्योंकि इस लोकेशन पे ना लोग यहाँ पे कम खाते हैं, पैक ज्यादा करा के लेके जाते हैं। अच्छा यहाँ पे खाते कम है पैक ज्यादा कराते हैं जी, क्या बात है भैया, देखिए पैक कराने आते हैं लोग गाड़ियों में, ये देखो। तो अभी भैया काम कैसा चल रहा है अपना? शुरुआती दिनों में तो मेरे को शुरुआती क्या अभी भी कुछ कुछ दिन में ऐसा लग जाता है मेरे को, जैसे परसों की बात है, मेरी 40 इडली बची थी। अच्छा, बिकने से रह गई थी, मतलब डेली 100-100 इडली सेल हो रही है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आज ज्यादा लेके चलता हूँ, तो मैं 150 के करीब लाया था, लेकिन 40 इडली बच गई, तो मुझे लगा कि अब शायद मेरा बिजनेस आगे बढ़ नहीं रहा है, ये मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ ही नहीं जा रहा हूँ। और पहले दिन जैसे NHAI ने मुझे हटाया तो मुझे लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, जब मेरे पास जगह के लिए पैसे हैं नहीं तो अब मैं कहाँ लगाऊंगा। तो मैं एक हफ्ते तक घर में बैठा था नई जगह की तलाश में। तो मेरे एक कस्टमर अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को इस लोकेशन के बारे में बताया, तो मैं यही बोलना चाहूंगा व्यूअर से कि अपने काम में स्ट्रगल तो बहुत होता है शुरुआती दिनों में, और मेहनत भी बहुत होती है। जैसे कई लोगों को लगता होगा मैं यहाँ 8:30 आता हूँ और 11-12 बजे चला जाता हूँ, मैं 4 घंटे में 1,000-1,500 रुपए कमा के चला जाता हूँ, लेकिन वो पीछे का वर्क नहीं देख रहा, मैं 4 बजे उठता हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो मेहनत है ना आपकी, उनको ये भी तो देखना चाहिए ना, 8 बजे जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप मॉर्निंग में कितने बजे उठ रहे हैं, तो फिर अपने काम को करने में कितना टाइम लगा रहे हैं, तो वो चीजें कोई नहीं देखता भैया, बस सब ये देखते हैं कैसे बंदे को नीचे गिराया जाए। तो सीधा सीधा एक लाइन है कि मेहनत करते चलो, फल आपको तुरंत मतलब मेहनत का फल मीठा होता है, जैसे ये लाइन है ना, तो वो सच है, किसी ने बड़े सोच विचार कर ही वो लाइन लिखी है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी आपको डीमोटिवेट किया है? हाँ मतलब वो हटाया तो मैं डीमोटिवेट हुआ ही, क्योंकि रोड पे भतेरे मतलब काफी लोग ऐसे खड़े रहते हैं, वो नहीं हटे लेकिन मैं हटा वहां से। तो भैया कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको कहीं ना कहीं टारगेट किया गया? मुझे लगा, मैं उनके ऑफिस भी गया लेकिन उन्होंने कोई रिक्वेस्ट मेरी मानी ही नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी आपकी।
लेकिन फिर मैंने ये सोचा जो होता है अच्छे के लिए होता है, वहां से अब दुगनी सेल यहाँ पे है मेरी। क्या बात भैया, चलिए ये तो बहुत अच्छा हुआ है। कहते हैं ना कि जब तक ऊपर वाला है ना तो कोई नीचे वाला आपको कुछ कर ही नहीं सकता, तो सही है आपको, आपको वहां से हटाया गया, आप यहाँ पर आए, आपकी सेल यहाँ पर अच्छी हुई, ये तो आपके लिए बहुत गुड लक वाली बात है। Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel. भैया टेस्ट के बारे में तो मैं क्या बताऊँ आपको, टेस्ट तो इतना अच्छा है ना कि देखो जो पीछे भैया खड़े हैं ना, उन्होंने पहले ली उसके बाद दोबारा एक प्लेट बनवाई, उन्होंने कंटिन्यू दोबारा प्लेट दूसरी खा रहे हूँ। And this is just the beginning. तो भैया सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप यहाँ पे? सर सुबह 8:30 बजे आ जाता है। सुबह 8:30 बजे आप आ जाते हैं और कितने बजे तक फ्री हो जाते हैं? वो तो सर किस्मत के ऊपर भी है, लेकिन एवरेज जो टाइम है 12 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूँ। क्या बात है भैया, सुबह आते हैं और 12 बजे तक भैया फ्री होकर निकल जाते हैं, इससे अंदाजा लगा लो भैया का काम बहुत अच्छा चल रहा है। भैया तो आप संतुष्ट हैं जॉब के अकॉर्डिंग, अगर दोनों को कंपेयर करें तो आप संतुष्ट हैं काम से? हाँ, अभी जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है उस हिसाब से तो मैं संतुष्ट हूँ। तो भैया जब मन को संतुष्टि मिल जाए ना तो उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो काम ना हमें वो करना चाहिए हमेशा जिससे हमारे मन को संतुष्टि मिले, क्योंकि जब हमारा मन फ्रेश है और हम खुश है ना तो भैया हर चीज में मन लगता है। इडली के साइज की बात करें तो भैया साइज देखो, नॉर्मल इडली से ना बहुत बड़ा साइज है देखो। तो भैया मैंने भी फाइनली ले लिया है और अब मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ और बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। वाओ भाई एक नंबर, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, पहले मैंने ऑडियंस का व्यू लिया अब मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, एक नंबर टेस्ट है। मैंने आज ना पहली बार खाया है और पहली बार मतलब तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी खिंच गया। एक नंबर। और जिस लोकेशन पे अभी हम खड़े हैं इसका एड्रेस क्या होने वाला भैया? सर ये 37 सेक्टर हुड्डा मार्केट के पास मदर डेयरी है आप, और मदर डेयरी के बगल में प्ले एक क्रिकेट ग्राउंड है तो मैं उसी के बाहर लगाता हूँ। फिलहाल का आपका एड्रेस ये है, परमानेंट भी यही है? मतलब फिलहाल है, अगर दुकान हो जाएगी तो जरूर चेंज होगा। तो भैया अभी जो फिलहाल का एड्रेस मैं आपको बताऊं वो है फरीदाबाद दिल्ली बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के समीप, ये है सराय मेट्रो स्टेशन, उसी के जस्ट साइड से एक रास्ता जाता है जो सेक्टर 37 फरीदाबाद की तरफ को जाता है, उसी में ही भाई ने सेक्टर 37 के अंदर हुड्डा मार्केट के सामने ही स्टैंड लिया हुआ है, आप अगर वहाँ से निकलेंगे तो आपको भैया खड़े हुए दिख जाएंगे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भैया का ये कारोबार बढ़े और एक अच्छे रेस्टोरेंट में तब्दील हो तो सपोर्ट करो भैया, जल्दी से जल्दी आप आओ फरीदाबाद सेक्टर 37 हुड्डा मार्केट नियर मदर डेयरी, आप यहां पर आओ और टेस्ट करो और भैया की मेहनत को ना भाई इतना बढ़ा दो आग लगा दो। और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को ना फटाफट से नीचे रेड बटन दिया हुआ है उस पर सब्सक्राइब कर लो और शेयर मार दो, जितना ज्यादा हो सके शेयर मार दो, भैया को ना फैला दो। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो देर मत कीजिए, रेड ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।